गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड कलीग्स एंड माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ नॉन एज संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चोरू। आज अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मछलियों के अंदर जो समुद्रों में पाई जाती हैं और समुद्रों की विभिन्न सतहों पर पाई जाती हैं, उनके अंदर एडेप्टिव रेडिएशंस पाए जाते हैं, अनुकूली विकिरण पाए जाते हैं। अनुकूली विकिरण का मतलब है कि जैसा वातावरण होता है उसके अनुरूप ढलने की जो क्षमता होती है उसको एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। तो ये मछलियाँ बोनीफिशेज होती हैं। जब अपन ने क्लासिफिकेशन स्पीशीज का किया था तो दो प्रकार की मछलियां था, उपास्थिल और अस्थिल, कॉन्डक्थीज और ऑस्टक्थीज, दो क्लासेज बताई थी। और ऑस्टक्थीज के अंदर दो क्लासेज बताई थी, सार्कोप्टेरिजी एंड एक्टिनोप्टेरिजी। और एक्टिनोप्टेरिजी को तीन सुपर ऑर्डर में अपन ने विभाजित किया था, कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई और टीलियोस्टियाई। और इनके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स थे। टीलियोस टाइम में विशेष तौर से टीलियोस जो वास्तविक रूप से बोनी फिशेज होती हैं उनके अंदर 20 के लगभग मैंने आपको ऑर्डर्स बताए थे। तो एक्टिनोप्टेरिजी में पाए जाने वाली ही तो वास्तविक बोनी फिशेज होती हैं, और जो समुद्रों की विभिन्न गहराइयों में यानी ओपन सी सरफेस जिसको पेलेजिक जोन बोलते हैं और बॉटम पे पाए जाने वाले जोन को बेंथोस जोन बोलते हैं, वहां तक विभिन्न गहराइयों के अंदर ये मछलियां पाई जाती हैं। इनको बहुत ज्यादा खतरा होता है, देखिए शत्रु से आक्रमण करने का भी, और किस प्रकार से ये समुद्र की विभिन्न गहराइयों में पानी के दबाव के कारण से ये तैर सके, कैसे इनमें चलन हो, कैसे इसमें फीडिंग हो, कैसे शत्रु से सुरक्षा करने के लिए शरीर के चारों तरफ कोई न कोई अध्यावरण या बोनी शील्ड का ये निर्माण करें। तो मैंने 8 बिंदुओं के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें से एक बिंदु में 5 बिंदु और आएंगे, इसलिए टॉपिक बहुत लंबा है। मैं आपका समय ज़्यादा यहाँ अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करना चाहता। अडेप्टिव रेडिएशन इन बोनी फिशेज, टॉपिक कर्सर के साथ में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। द वैरायटी ऑफ एक्टिनोप्टेरिजी, मैंने दो प्रकार की फिशेज बताई हैं, सार्कोप्टेरिजी फ्लैसी फिंड होती हैं, एक्टिनोप्टेरिजी रे फिंड होती हैं, यानी फिन के अंदर फिन रेज उपस्थित होती हैं। ए वैरायटी ऑफ एक्टिनोप्टेरिजी इज सो ग्रेट दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू गिव ए कंप्लीट आइडिया ऑफ इट। एक्टिनोप्टेरिजी के अंदर बहुत सारे वंश और जातियां पाई जाती हैं, बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं, इसलिए परफेक्ट ज्ञान देना यहां मेरे समझ से परे की बात है या असंभव सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जितना वैज्ञानिकों को, जूलॉजिस्ट को जितना ज्ञान हुआ, जितना मेरे से मैटर कलेक्ट हुआ, मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द स्पेसिफिक वेज, ये निम्नलिखित विशिष्टीकृत तरीके हैं, द बोनी फिशेज हैव बिकम स्पेशली मॉडिफाइड, जिसके कारण से ये अस्थिल मछलियां जो हैं वो रूपांतरित हो गई अपने वातावरण में रहने के लिए। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है स्विमिंग एंड लोकोमोशन, यानी तैरना और चलन। तैरना और चलन, लोकोमोशन तो भोजन को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास है, और स्विमिंग यानी ये भी भोजन को प्राप्त करने के लिए समुद्र के सरफेस पे, बीच में, कहीं भी, किसी भी जोन पे, चाहे फोटिक जोन हो, चाहे बेंथिक जोन हो, चाहे पेलेजिक जोन हो, चलन होगा। द टीलियोस्ट बोलते हैं, टीलियोस्टमाई ऑर्डर में पाए जाने वाली, सुपर ऑर्डर में पाए जाने वाली एक्चुअल वास्तविक रूप से बोनी फिशेज है परफेक्टेड टू वेरियस वेज
द प्रोसेस ऑफ स्विमिंग बाय द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन अलोंग द बॉडी। टीलियोस्ट वास्तविक रूप से अस्थिल मछलियों के अंदर तैरने के लिए बॉडी के अंदर एक संकुचन और स्थलन जब बॉडी के अंदर होता है तो तरंगें सी उत्पन्न होती हैं, प्रोपेगेट होती हैं या उत्पन्न होती हैं। द सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इलास्मोब्रेंकस ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लैडर। इलास्मोब्रेंकाई में पाए जाने वाली मछलियों से ये भिन्न क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर स्विम ब्लैडर पाया जाता है, जबकि इलास्मोब्रेंकस में स्विम ब्लैडर यानी तैरने वाला आशय नहीं पाया जाता। सर्विंग टू मेंटेन द फिश स्टेडली एट ए गिवन लेवल इन द वाटर, जो क्या कार्य करता है, जो वातावरण पानी के अंदर जैसा वातावरण है यानी इनका वातावरण पानी है, समुद्रीय जल है, उसके अंदर ये बॉडी को स्थिर या चलायमान रखने में सहायता करता है। द फिन्स आर कॉरेस्पॉन्डिंगली यानी इस प्रकार से चेंज टू गिव राइज स्टेबिलाइजेशन टू द एनिमल ड्यूरिंग लोकोमोशन। जो फिन्स होते हैं, पख जो होते हैं, वो बॉडी को स्थायित्व प्रदान करने में सहायता करते हैं ड्यूरिंग लोकोमोशन यानी चलन के दौरान। इन शार्क मछलियों के अंदर पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं वो एडजस्ट बॉडी पोजीशन, अपनी बॉडी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं एंड आर यूज टू स्टीर द एनिमल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द वाटर। बॉडी को, मैंने सुबह एक वीडियो देखा था, एक बहुत बड़ी शार्क मछली थी जो ऊपर और नीचे यों अपवर्ड यानी ऊपर डाउनवर्ड पानी के अंदर स्विम कर रही थी। विद ए स्विम ब्लैडर द फिशेज हैव बिकम फ्रीड फ्रॉम टेंडेंसी टू रिमेन एट द बॉटम, यानी कि इस स्विम ब्लैडर की उपस्थिति के कारण से मछलियों ने अपनी प्रवृत्ति, जो समुद्र में के पैंदे पर रहने की जो प्रवृत्ति थी, उससे मुक्ति पाई, उससे इनको मुक्ति मिली। स्वतंत्र वी विच आर फाउंड इन मोर प्रिमिटिव फॉर्म्स, जो कि प्रिमिटिव फॉर्म्स के अंदर इस प्रकार का लक्षण नहीं पाया जाता, यानी प्राथमिक रूप से सिंपल जो फिशेज होते हैं उनमें स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता, बोनी फिशेज में पाया जाता है। द बोनी फिशेज हैव लॉस्ट द हेटरोसर्कल टेल। हेटरोसर्कल टेल में आपको पता है एपिकोडल लोब बड़ा होगा या हाइपोकोडल लोब बड़ा होगा, विषम पालित होता है, जो जल में तैरते समय एक गतिरोध, एक ब्रेक के रूप में कार्य करते हैं। तो हेटरोसर्कल टेल की जगह होमोसर्कल टेल हो जाएगी, ये बदल जाएगी, हेटरोसर्कल टेल नहीं होगी। विच रिजल्ट्स इन ए रैपिड एंड ट्रेमेंडस एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ द पेक्टोरल फिन इन फॉर्म एंड फंक्शंस, जिसके कारण से इनके अंदर बहुत ही तीव्रता से, बहुत तीव्र गति से अनुकूली विकिरण पैदा हुए पेक्टोरल फिन्स में, उसकी फॉर्म में और फंक्शंस में। और पेक्टोरल, आपको पता है, आगे वाले पेक्टोरल फिन्स होते हैं जो पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, और बॉडी के टेल अगर होमोसर्कल है तो पीछे जो पानी धकेला जाता है वो उससे जाकर के नहीं टकराता है, और हेटेरोसर्कल टेल होगा तो एक टेल फिन के साथ में टकराता, जो पानी वापस घूम के आगे आ जाता है, तो आगे बढ़ने में, मछली को आगे बढ़ने में गतिरोध या अवरुद्ध या अवरोध पैदा करने का कार्य करते हैं। इन सम फिशेज लाइक एमिया एंड लेपिडोस्टियस, सीमियोनोटिफॉर्मीज के अंदर मैंने उदाहरण बताया था कि उदाहरण अलग है, बाकी के अंदर एमी फॉर्मीज के अंदर एमी था, एमिया था, और सीमियोनोटिफॉर्मीज में मैंने बताया था, मेरे नाम से याद रख लो, संत लाल, सीमियोनोटिफॉर्मीज का उदाहरण लेपिडोस्टियस इज यूज इन हॉरिंग, यानी ये मछलियाँ जो है ये स्विम ब्लैडर को और पेक्टोरल फिन को हॉरिंग यानी कि समुद्र के ऊपर मंडराने में भी
सहायता या काम में लेते हैं लेती हैं। मैनी ऑफ द लोअर टीलियोस्ट आर रिलेटिवली पुअर स्विमर्स, यानी कि जो लोअर टीलियोस्ट फिशेज हैं, जो प्रारंभ में पाए जाने वाली जो होलोस्टियाई एंड कॉन्ड्रोस्टियाई ऑर्डर में पाए जाने वाली जो मछलियाँ थी, वो बहुत ही स्विमिंग की क्षमता उनमें बहुत ही अल्प या पुअर थी। एंड सम ऑफ देम हैव बिकम बॉटम लिविंग, जिनमें से अधिकतर या सम या कुछ जो होते हैं वो समुद्र के पैंदे पर पाए जाने वाली मछलियाँ होती थी या होती हैं। इन सच फॉर्म्स लाइक कैट फिशेज देयर इज ए लार्ज एनल फिन एक्टिंग लाइक ए हेटरोसर्कल टेल टू गिव लिप टू द एनिमल। कैट फिशेज के अंदर एक लार्ज एनल फिन होता था जो हेटरोसर्कल टेल की तरह कार्य कर रहा था या कार्य करता है, जो जंतु को या मछली को ऊपर उठाने में मदद करता है। इन द मोर स्पेशलाइज्ड टीलियोस्ट, और बाकी की बची हुई अधिकांश अस्थिल मछलियां या टीलियोस्ट फिशेज जो हैं वो विशिष्टीकृत हो जाती हैं, स्पेशलाइज हो जाती हैं, लाइक एक्जोसिटस। द पेक्टोरल फिन्स आर प्लेस्ड हाई अप ऑन द बॉडी, पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो शरीर के एकदम डोर्सल सरफेस पे होते हैं, पृष्ठ सतह के ऊपर होते हैं, और यूज्ड एज ब्रेक्स, जो गतिरोध उत्पन्न करने में मदद करते हैं। पेल्विक फिन्स फंक्शन एज द कील्स टू प्रिवेंट ट्रॉलिंग, पेल्विक यानी पीछे वाले जो फिन्स होते हैं वो कौन से, पेल्विक फिन्स फंक्शन एज द कील, यानी कि पेल्विक फिन्स उसको वापस लौटने में, यानी क्या लिखा हुआ है देखिए, फंक्शन एज द कील्स टू प्रिवेंट रोलिंग, वापस लौटने में ये मदद करते हैं कि वापस कैसे लौटा जाए। वाइल द स्टेबिलिटी इन वाटर इज अचीव्ड बाय डॉर्सल एंड एनल फिन, जबकि जल के अंदर, समुद्री जल के अंदर स्थायित्व इनका जो है वो डॉर्सल और एनल फिन्स के द्वारा बना हुआ होता है। सो मेक द स्विमिंग ईजियर, इसके कारण से तैरना इसके लिए आसान हो जाता है। बॉडी बिकम स्ट्रीमलाइंड, धारा रेखित होती है, यानी स्पिंडल शेप्ड या आगे से पीछे से नुकीली और बीच में से मोटी। इन फास्टेस्ट स्विमर्स, जो बहुत ही तेज गति से तैरने वाली मछलियां होती हैं, द बॉडी इज नियरली राउंड विद ए थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग टेल, आगे धक्का देने वाली इनमें टेल पाई जाती है। किस में, जो फास्ट स्विमर्स होते हैं, बहुत तेज गति से तीव्रता से तैरने वाली जो मछलियां होती हैं, इन टन्नी फिशेज टेल इज डबल जॉइंटेड, टेल जो होती है वो डबल, दो जॉइंट पाए जाते हैं टेल के अंदर। मैनी डीप सी बोनी फिशेज, फॉर एग्जाम्पल सिरेटियास, हैव नो स्विम ब्लैडर, समुद्र के गहरे पानी में पाए जाने वाली कुछ मछलियां, फॉर एग्जाम्पल सिरेटियास के अंदर स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, टू कंपनसेट दिस, इसको एडजस्ट करने के लिए, इसकी कमी की पूर्ति करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, इनके अंदर स्केलेटन और मसल्स रिड्यूस हो जाती हैं। सो दे कैन अचीव ब्योन्सी, यानी उछाल लेने में, ब्योन्सी का मतलब उछाल लेने में स्विमिंग के दौरान मदद करती हैं। ऑन द अदर हैंड डीप सी फिशेज, दूसरी साइड में देखें, विपरीत दूसरे तरफ देखें, डीप सी फिशेज दैट रिमेन द स्विम ब्लैडर हैव ए वेल डेवलप्ड स्केलेटन एंड पावरफुल मसल्स, दूसरी तरफ देखें तो डीप सी फिशेज जो हैं, गहरे समुद्र के जल में पाए जाने वाली मछलियों में एयर ब्लैडर वेल डेवलप्ड होता है, स्केलेटन भी वेल डेवलप्ड होता है और पावरफुल मसल्स भी होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट वेरियस बॉडी फॉर्म्स। शरीर का आकार विभिन्न प्रकार का बन जाता है क्योंकि ये अनुकूलित हुई हैं। मैनी टीलियोस्ट सो डिफरेंट शेप एंड फॉर्म ऑफ देयर बॉडी। अधिकतर जो समुद्र में पाए जाने वाली बोनी फिश जो होती हैं वो अपनी बॉडी की शेप और फॉर्म को बदल लेती हैं, विच आर अनडाउटेडली, निसंदेह, यानी इसका डाउटलेस भी बोलते हैं, या निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं, बेशक रूप से ये कह सकते हैं, दिस इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये एक बचाव की क्रियाविधि है, सुरक्षात्मक क्रियाविधि है। इन मैनी टाइप्स द बॉडी इज लेटरली फ्लैटेंड। कई रूपों के अंदर शरीर पार्श्वों से संपीड़ित हो जाता है। द एंगल फिश टेरोफाइलम, टेरिजियम मीन्स विंग या फिन, फाइलियम मीन्स लिप, पत्ती के आकार का ये एक जंतु या फिश आई है, एंगल फिश, इज प्रोवाइडेड विथ ए लॉन्ग फिलामेंट एंड ए ब्रिलियंट कलरेशन। किसके द्वारा? लॉन्ग फिलामेंट भी हैं बॉडी के ऊपर और इनका बहुत ही चमकीला ब्रिलियंट कलर्ड होती है, ये कलरेशन इनमें उत्पन्न हो जाता है, विच इज इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो जहाँ रहती हैं अपने वास्तविक आवास के अंदर वैसा ही इनका कलर डेवलप हो जाता है। ये किस में सहायता करेगा ये आपको पता है? सबसे ज़्यादा सहायता किस में करेगा? प्रीडेटर से सुरक्षा, यानी शिकारी जो होता है उससे सुरक्षा करने में मदद करता है। गिव इट ए प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस टू द प्लांट्स अमंग विच इज स्लोली मूवर्स, मूज स्मॉल स्लोली मूज, जहाँ वनस्पति जिस क्षेत्र में ये पाई जाती हैं, जिस गहराई में पाई जाती हैं, वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियों से मिलती जुलती बॉडी में कलरेशन या रंग उत्पन्न हो जाता है। द फ्लैट फिशेज, आपको पता है फ्लैट फिश कौन सी है? प्लूरोनेक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं एग्जाम्पल अलग ले रहा हूँ, प्लेस, सॉली एंड हेलीबट एट्सेट्रा हैव फ्लैटेंड बॉडी, शरीर चपटा होता है, लाई ऑलवेज ऑन वन साइड ऑफ द सी बॉटम, ये समुद्र के एक कोने के अंदर, बॉटम पे तो पाई जाती है लेकिन बॉटम के एकदम किनारे के ऊपर, समुद्र के छोर की किनारे की बॉटम पे उपस्थित होती है। अपर साइड बिकम डार्कर, जिनकी ऊपरी सतह अंधेरी यानी डार्क हो जाती है, गहरे रंग की हो जाती है, और प्रोटेक्टिव कलर्ड, और शरीर के अंदर अपने बॉडी को प्रेडेटर से सुरक्षा करने के लिए सुरक्षात्मक रंग कलर्ड या रंग धारित कर लेती है। द लोअर साइड वाइट, निचली सतह कैसी रहती है इनकी? सफेद। बोथ द आईज लाई ऑन द अपर साइड, दोनों नेत्र जो होते हैं, वैसे समुद्र की गहरे पानी में पानी में पाए जाने वाली मछलियों के अंदर है, नेत्रों का कोई काम नहीं है जहां डार्क जोन में अगर रहती है, लेकिन यहां पे बोल रहा है बोथ द आईज लाई ऑन द अपर साइड, दोनों नेत्र जो होते हैं वो ऊपरी सतह पर स्थित होती हैं। दीज फॉर्म्स आर मोस्टली पुअर स्विमर, ये बहुत ही कम इनमें क्षमता होती है स्विमिंग की, बट देयर कलरेशन गिव देम रिमार्केबल प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस टू द बैकग्राउंड। लेकिन ये जो कलरेशन उत्पन्न हुआ, इनमें रंग उत्पन्न हुआ बॉडी के अंदर, बॉडी कलर्ड हुई, वो किससे मिलती जुलती थी? बैकग्राउंड यानी जिस आवास पे ये रहती हैं मछलियाँ, उससे मिलती जुलता कलर इसमें विकसित होता है। लिविंग फिशेज है, कहीं था बोला गया है तो बहुत गलती हो गई होगी, ध्यान देना, हैं होगा। सम ऑफ फिशेज हैव डेवलप्ड हैवी आर्मर ऑन द बॉडी ऑफ प्रोटेक्शन, बॉडी फॉर प्रोटेक्शन, शरीर के चारों तरफ स्केल्स का बना हुआ मोटा कवच बन जाता है,
किसके लिए? सुरक्षा के लिए. फॉर एग्जाम्पल ट्रंक फिश ऑस्ट्रेसियन एंड ग्लोब फिश, अलग अलग मछलियों के नाम आ रहे हैं. चिलोमाइक्टेरस, इनके अंदर ऑस्ट्रेसायन और ग्लोब फिश जो हैं इनके शरीर के चारों तरफ हैवी आर्मर यानी प्ले जो स्केल्स होते हैं, साइक्लॉयड, टीनोइड, गैनोइड, जिनको रोम्बॉइड स्केल्स भी बोलते हैं, उनका बना हुआ एक सुरक्षात्मक कवच होता है, यानी हैवी आर्मर बन जाता है. उदाहरण भी दे दिए. इन मैनी फेसिस लाइक एंगुला, बॉडी लंबी हो जाती है, इलोंगेटेड होती है. द टिपिकल बॉडी फॉर्म ऑफ सी हॉर्स गिव राइज स्ट्रांगली या स्ट्रांग प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस टू द वीड्स अमंग विच दे लिव. जो वनस्पति या घास होते हैं उससे मिलते जुलता कलर सी और समुद्री घोड़ा भी पैदा कर लेता है. फिशेज दैट लिव इन सिचुएशन फ्रॉम वेयर दे आर लाइकली टू कैरिड अवे डेवलप्ड सकर्स. फिशेज जो इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर उपस्थित होती हैं वो शरीर के अग्र भाग पे माउथ जो है वो सकर के रूप में या माउथ से अलग सकर या चूषक उत्पन्न कर लेती हैं, जिसके द्वारा ये चट्टानों के साथ में या किसी न किसी सरफेस के साथ में चिपक जाती हैं. थस इन द गोबियस फाउंड बिटवीन टाइड मार्क्स द पेल्विक फॉर्म ए सकर. टाइड मार्क्स सूर्य और चंद्रमा के कारण, टाइड मार्क्स का मतलब है ज्वार के निशान. चंद्रमा और सूर्य के कारण समुद्र में ज्वार बाटा आता है, लहरों का उठकर तट की ओर, सी शोर की ओर, और सी शोर से ये लहरें या वेव्स जो होती हैं वापस अपने तट से दूर की तरफ चली जाती हैं, तो उनको बोलते हैं कि टाइड मार्क्स भी पाए जाते हैं. द पेल्विक फिन्स फॉर्म ए शकर. पेल्विक फिन जो होती हैं, पीछे वाले फिन, पेर्ड फिन, वो शक्कर लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अडेप्टेशन टू वेरियस डेप्थ. समुद्र की विभिन्न गहराइयों में ये मछलियां पाई जाती हैं और जिस गहराई में पाई जाती है उसके अनुरूप ही ये अपने बॉडी को अडेप्ट कर लेती हैं, अनुकूलित कर लेती हैं. द इफेक्ट ऑफ द डेप्थ हैव कॉज्ड The fishes to vary in bodily form and physiology. यानी ये गहराई का जो प्रभाव जो है वो बॉडी, फिशेज की बॉडी को और फिजियोलॉजी को प्रभावित करता है. The fishes of epipelagic zone. आप देखिए एक mesopelagic zone आएगा और एक बेथी पेलेजिक जोन आएगा. अलग अलग प्रकार के जोन बताए हैं, अलग अलग इनकी पोजीशन होगी. अब अपर जोन ऑफ सी या ओशन जस्ट बिफोर द सरफेस. एपिपेलेजिक जोन कौन सा होगा? समुद्र की ऊपरी सरफेस जो होती है उसके नीचे वाला होगा. द फिशेज ऑफ एपिपेलेजिक जोन आर मोस्टली फाइटोफेगस. ये वनस्पतियों को खाने वाली जो एपिपेलेजिक जोन में पाई जाती हैं, यानी सी सरफेस, ओपन सी सरफेस के नीचे वाले क्षेत्र को एपिपेलेजिक जोन कहते हैं. ये मछलियाँ फाइटोफेगस होती हैं, यानी पादप समभोजी या पादपों का भक्षण करने वाली होती हैं, पादपों को भोज्य पदार्थों के रूप में स्वीकार करती हैं. मेसोपेलेजिक जोन, ये एपिपेलेजिक जोन और नीचे का जो बेथीपेलेजिक जोन होता है उसका मिडल क्षेत्र है, और इसका दूसरा नाम अपन यहां तक यूफोटिक जोन भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ तक प्रकाश जाता है.
मीजोजोइक जोन इंक्लूड्स ए ग्रेट नंबर एंड वैरायटी ऑफ फिशेज। मीजोपेलेजिक जोन के अंदर बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं, माइग्रेटिंग अप एंड डाउन हंड्रेड्स ऑफ मीटर एवरी नाइट टू द यूफोटिक जोन टू फीड ऑन प्लांट्स। अब इसकी देखिए क्या कह रहा है ये, मीजोपेलेजिक जोन में पाए जाने वाली मछलियां खूब सारी हैं और ये रात्रि के अंदर विचरण करती हैं और ऊपर और नीचे लगभग सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ये भोजन को प्राप्त करने के लिए पादपों को भोज्य पदार्थों के लेने के लिए विचरण करती रहती हैं। दीज एनिमल्स मस्ट देयरफॉर बी एबल टू विदस्टैंड इनॉर्मस चेंज ऑफ प्रेशर। ये जो एनिमल्स होते हैं ये जो समुद्र के जल का दबाव पड़ता है उससे ये अपनी बॉडी को विदस्टैंड यानी एक निश्चित स्थिति में बनाए रखने में क्षमता उत्पन्न कर लेती हैं। इन द बैथीपेलेजिक जोन, बैथीपेलेजिक जोन क्या होगा, ए पार्ट ऑफ पैलेजिक जोन दैट एक्सटेंड फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 1000 टू 4000 मीटर्स। और इसको दिस इज आल्सो कॉल्ड मिडनाइट जोन, मध्य रात्रि का जोन कहते हैं। बहुत गहराई में पाए जाने वाली 1000 मीटर से लेकर के 4000 मीटर तक गहराई वाला ये क्षेत्र होता है। यहां पर डार्कनेस रहती है यानी अंधेरा रहता है, इसलिए मिडनाइट जोन भी बोलते हैं। हियर क्या होगा, देयर इज ए कॉन्स्टेंट डार्कनेस, हमेशा स्थायी रूप से अंधेरा बना रहता है, एक्सेप्ट फॉर द फ्लैशेज ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल्स। सिवाय जो ऐसी मछलियां भी होंगी जो जीव दीप्ति यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाली, जैविक प्रकाश उत्पन्न करने वाली बायोल्यूमिनेसेंस या बायोल्यूमिनेसेंट जो मछलियां होती हैं या कोई अन्य जंतु जो भी होते हैं वो ही इनमें अंधेरे के अंदर देखने में मदद करते हैं। हियर द फिशेज आर प्रोवाइडेड विद स्मॉल एंड रिड्यूस्ड आई। यहाँ अब देखिए अंधेरा है, नेत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, दिखाई नहीं देता, रिड्यूस हो जाती हैं, राशित हो जाती हैं। मैंने रिसेप्टर्स अब शरीर के ऊपर संवेदी अंग इनमें विकसित होते हैं फॉर द स्मेल टेस्ट गंध और स्पर्श स्वाद ग्राही डेवलप होती हैं एंड द लेटरल लाइन ऑर्गन ऑफ द बॉडी सरफेस। लेटरल लाइन यानी कि दोनों लेटरल साइड के अंदर लेटरल लाइन ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है जो सेंसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है, वो यहाँ इनमें लेटरल लाइन ऑर्गन सिस्टम, इसमें कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। लेटरल लाइन ऑर्गन सिस्टम अगर कहीं भी नाम आता है तो उसका अर्थ ये समझना कि मछली के दोनों पार्श्वों में एक रेखा या धारी सी पाई जाती है जिसमें संवेदी अंग पाए जाते हैं और संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। मोस्ट ऑफ द फिशेज आर प्रीडिसेस इन दिस जोन, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली अधिकतर मछलियां शिकारी मछलियां होती हैं, प्रीडिसियस इन नेचर। फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एंड फीडिंग हैबिट्स। द मोस्ट एक्टिव प्रेडेटर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग जॉ एंड शार्प टीथ। जो अधिकतर प्रीडिसियस इन नेचर में अगर ये मछलियां होती हैं तो प्रेडेटर
प्रिडेटर्स या शिकारी जो होते हैं वो मजबूत जबड़े और नुकीले शार्प टिथ इनमें उपस्थित होंगी, एज इन इसॉक्स एंड गैडस, जैसे मछलियों के नाम आए हैं। द टिथ ऑन द एजेज ऑफ जॉज सर्व टू बाइट एंड कैच द प्रे। ये टिथ किस में काम आते हैं? ये जबड़ों के किनारों पर एजेज पे पाए जाते हैं, जो शिकार जो होता है उसको काटने में और पकड़ने में मदद करते हैं। इन लॉफ यस वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट आ रही है। द फ्रंट टिथ आर लोअर्ड टू अलाउ एंट्रेंस द प्रे। फ्रंट टिथ आगे की ओर पाए जाने वाले जो दांत होते हैं वो आगे बढ़कर के शिकार को अंदर की तरफ धकेलने में मदद करते हैं। वाइल दी पीछे की तरफ पाए जाने वाले जो दांत होते हैं ये उनको बाहर निकलने से, एग्जिट होने से रोकते हैं, प्रिवेंट इट एग्जिट। अब उस ओसोफेगस और स्टमक की जो वाल होती है वो धारा या स्ट्रिप्ड मसल्स रेखित पेशियों की बनी हुई होती है, जो जिसके कारण से स्ट्रिप्ड मसल्स की उपस्थिति के कारण से इनमें बहुत ही तेज और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड ग्रेट डायलेशन टू द स्ट्रक्चर टू अकोमोडेट लार्ज प्रे इन द एलिमेंट्री कैनाल। जो प्रे आया है, मछली ने जो ग्रहण किया है और जो जिस ऊपर की तरफ डोर्सल साइड में पाए जाने वाला जो फ्रंट टिथ थे उनके द्वारा अंदर घुसोए गए हैं वो इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सदैव पड़ा रहता है। ये भोज्य पदार्थ होते हैं इनके। द प्लूरोनेक्टिस, दिस इज एक्चुअल नेट फ्लैट फिश फीडिंग ऑन मॉलस्क। ये अधिकतर मॉलस्क के ऊपर, मॉलस्क का संघ में पाए जाने वाले जंतुओं को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। डेवलप्ड चेजल लाइक टिथ, यानी छन्नी के समान या इंसाइजर जो दांत होते हैं वैसे, यानी एक ब्लेड होती है जिसके दोनों सिरों के ऊपर काटने वाले दांत होते हैं, कटिंग काटने वाले छोटे छोटे कुतरने वाले, चेजल का मतलब है एक ब्लेड जिसके दोनों सिरों के ऊपर, यानी दोनों एजेज जो होते हैं वो कटिंग करने में मदद करते हैं, सीधा सा है। एंड फ्लैटेंड क्रशिंग टिथ इन द फेरिंग्स। और क्या करते हैं ये, फेरिंग्स के अंदर ये क्रशिंग करने का कार्य करते हैं, दबा देते हैं, बार बार दबा करके उनको छोटा कर देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। रेसेज आल्सो हैव ब्लंट टिथ। रेसेज नाम की मछलियों के अंदर, बोनीफिशेज के अंदर टिथ जो होते हैं वो ब्लंट या ठूंठदार होते हैं। एंड ईट मॉलस्क एंड क्रेब्स, जो मॉलस्क और केकड़ों को यानी आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं। यहाँ सीलिया मछली आ रही है। फीडिंग ऑन स्मॉल क्रस्टेशंस एंड वर्म्स, ये कुछ क्रस्टेशंस को और कुछ वर्म्स, चाहे प्लेटियल मंथी जो, चाहे एस्कल मंथी जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं, कीड़े या वर्म कर्मी जो पाए जाते हैं। हैज वीकर डेंटिशन क्लूपिया। क्लूपिया के अंदर डेंटिशन कमजोर होता है। दैट लाइन इन द माइन्यूट ऑर्गेनिज्म हैज स्मॉल टिथ एंड वीक माउथ बट आर प्रोवाइडेड विद ए फिल्टरिंग सिस्टम ऑफ ब्रेंकियल गिल रेकर्स। गिल रेकर का मतलब क्या है? अवरोध पैदा करने वाला, एक छड़ के समान, एक उभार के समान, एक प्रवर्त के समान एक प्रोसेस निकलता है। किससे? गिल आर्क से निकलता है या ब्रेंकियल आर्क से निकलता है, जो छलने में सहायता करता है।
हर्बीवोरस एंड कॉरल ईटिंग फिशेज। कॉरल क्या है? ऐसे सिलेंट्रेट्स जो अपनी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच स्रावित कर लेते हैं और वह समुद्र के पैंदे पर पाए जाने वाले होते हैं। तो प्रवाल यानी कुछ हर्बीवोरस होते हैं यानी शाकाहारी, कुछ कॉरल ईटिंग फिशेज हैव क्रशिंग टीथ। हर्बीवोरस और कॉरल ईटिंग फिशेज जो होती हैं वो क्रशिंग यानी कि काटने वाले, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाले दांत इनमें पाए जाते हैं। द पैरेट फिशेज, नाम आ रहा है पैरेट, तोता मछली, पैरेट फिशेज। स्केरेडी हैव ए बीक, आगे एक चोंच जैसी संरचना पाई जाती है और एक ग्राइंडिंग मील ऑफ फ्लैटेंड प्लेट्स इन द फेरिंग्स, और फेरिंग्स के अंदर जैसे आटा पीसते हैं चक्की पाई जाती है, वैसे ही एक ग्राइंडिंग घिसने वाली, यों चक्की के समान घिसने वाली, इसमें एक फेरिंग्स के अंदर ग्राइंडिंग मील पाई जाती है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट ले रहे हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ बॉनी फिशेज, अपना सुरक्षा कैसे करती हैं। जैसा वातावरण होगा वैसा ही इनका कलर हो जाएगा। एक तो शत्रु से छुपाव हासिल करने में, कंसीलमेंट करने में सहायता करता है। और कुछ मछलियां जो होती हैं वो फास्ट स्विमर्स होती हैं, जो प्रेडेटर के पकड़ में नहीं आ पाती हैं। और कुछ में पावरफुल जबड़े होते हैं, रिसेप्टर्स और ब्रेन विकसित होते हैं। और कुछ मछलियां जो होती हैं समुद्र के पैंदे पर पाए जाते हैं और बहुत ही धीमी गति से तैरने वाली होती हैं। अब इनके अंदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेज पांच प्रकार के उत्पन्न हुए। प्रोटेक्टिव आर्मर ऑन द बॉडी सरफेस, यानी शरीर के चारों तरफ प्रोटेक्टिव आर्मर बना किसका? साइक्लोइड प्रकार के स्केल्स का। मोस्ट ऑफ द टीलियोस्ट आर कवर्ड बाय साइक्लोइड स्केल्स। और ये साइक्लोइड जो स्केल्स होते हैं ये बॉडी को चारों ओर से ओवरलैपिंग कर लेते हैं, बोनी प्लेट्स या बोनी शील्ड बनाकर के। जैसे फॉर एग्जांपल आ रहा है पोर्क्यूपाइन फिश डायोडॉन, बहुत ही वेरी लॉन्ग एंड लार्ज स्पाइन्स भी पाए जाते हैं यानी कांटे पाए जाते हैं। एक ऑस्ट्रेसायन आ रहा है, बोनी प्लेट्स का बना हुआ रिजिड बॉक्स होता है। और पेक्टोरल फिन्स एंड टेल एक मूवेबल स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करती हैं। तो प्रोटेक्टिव आर्मर ऑन दी बॉडी सरफेस। शार्प स्पाइन्स एंड पॉइजन ग्लैंड्स, बॉडी के ऊपर जो उपास्थिल मछलियां समुद्रों के अंदर पाई जाती हैं, बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे कांटे होते हैं जो विषैली पॉइजन ग्लैंड युक्त होती हैं, जिनके कारण से जो शत्रु अगर आक्रमण करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर धसा दिए जाते हैं तो प्रेडेटर बेहोश हो जाता है। अब 200 स्पीसीज ऑफ बॉनी फिशेज के अंदर पॉइजन ग्लैंड एसोसिएटेड जुड़ी हुई होती हैं स्पाइन्स के साथ में। और द ट्रेकिनस हैज पॉइजन स्पाइन्स ऑन द ऑपरिकुलम एंड डॉर्सल फिन्स। कैट फिशेज एंड स्कॉर्पियन फिशेज, टॉड फिशेज आल्सो हैविंग पॉइजन स्पाइन्स। लोफियस इज आल्सो आर्मर्ड विद डेंजरियस स्पाइन्स। लोफियस भी अपने शरीर के चारों तरफ बहुत ही खतरनाक स्पाइन्स धारित किए हुए होती है। ट्रिगर फिशेज मर्न और मोर फिन्स आर मॉडिफाइड टू मेक ए पॉइजन स्पाइन्स। ट्रिगर फिशेज होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक जो फिन्स होते हैं उनके ऊपर, या ये फिन्स जो होते हैं ये किस में रूपांतरित होते हैं? मॉडिफाइड स्पाइन्स में, कांटों में रूपांतरित होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट
इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बॉडी के अंदर या तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगा या इनके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड करने की इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोफोरेस पाए जाते हैं, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की इनमें क्षमता होती है। विद्युत धारा अगर ये मछलियां उत्पन्न करेंगी तो शत्रु को झटका लगेगा, तो उस क्षेत्र के अंदर जो मछली ये बोनी बीचेज रह रही हैं वहां पर ये मछलियां वो प्रेडेटर नहीं आएंगे। जैसे एग्जांपल लिए हैं मैंने, टॉर्पिडो का लिया है, 50 वोल्ट का ये करंट इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करती है और इलेक्ट्रिक ईल उदाहरण लिया है, 500 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी धारा क्षेत्र या करंट धारा उत्पन्न करती है। बट बाय द मॉडिफाइड एक्सॉन्स, देखिए तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन, उसके अंदर जो एक्सॉन, एक एक्सॉन जो होता है, इसका मतलब मैनी एक्सॉन्स यानी मैनी न्यूरॉन के मैनी एक्सॉन्स, एक मछली नहीं दो मछलियां आ रही हैं, स्टिनार्किड्स एंड जिम्नोटिड्स, इनमें इस प्रकार के विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले ऑर्गन तो नहीं होते, बट मॉडिफाइड एक्सॉन। लेकिन एक्सॉन जो हैं वो मॉडिफाई होकर के विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। एन इलेक्ट्रिक कैटफिश मेलाप्टरस द इलेक्ट्रिक ऑर्गन लाई अंडर द स्किन ऑल अलोंग द बॉडी, पूरी शरीर के नीचे पूरी शरीर के ऊपर पाए जाने वाली जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उसके पूरी लंबाई में, बॉडी की लंबाई के अंदर ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन छोटे छोटे खंडों के रूप में या चिन्हों के रूप में, स्केयर्स के रूप में उपस्थित होते हैं। फोर्थ पॉइंट आ रहा है, फॉस्फोरेसेंस ऑर्गन्स या ल्यूमिनस ऑर्गन्स, डीप सी एरियाज के अंदर मोस्टली जो बोनी फिशेज होती हैं वो गहरे समुद्री जल में पाई जाती हैं। अब इनमें देखने की क्षमता, नेत्र तो लगभग लुप्त प्राय हो जाते हैं। अब यहाँ प्रकाश यानी कि ये अपने एक विपरीत साथी को यानी अपोजिट सेक्स को कैसे पहचान करेगी, प्रीडेटर जो होता है उसकी पहचान कैसे करेगी, तो कुछ ऐसी मछलियां होंगी जो डार्क हैबिटेट में रहते हुए भी अपने शरीर के ऊपर ल्यूमिनस ऑर्गन्स, प्रकृति की कृपा है ये, तो ल्यूमिनस ऑर्गन या प्रकाश उत्पन्न करने वाले ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी सहायता से शत्रु भी दिखाई देते हैं और भोज्य पदार्थ भी दिखाई देते हैं। इन लैंटर्न फिशेज बियर दीज ऑर्गन्स ऑन द साइड एंड द वेंट्रल सरफेस, लैंटर्न यानी लालटेन जैसी मछलियां जो होती हैं, लालटेन, लालटेन का मतलब है लालटेन, प्रकाश उत्पन्न करने वाली लैंटर्न फिशेज के अंदर ये प्रकाश दीप्त ऑर्गन्स या फॉस्फोरेसेंस ऑर्गन्स या ल्यूमिनस ऑर्गन दोनों पार्श्वों के अंदर और अधर सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इन सर्टेन फिशेज सच लाइक सेरेटियास द ल्यूमिनस टिप ऑफ द फिन इज यूज एज ए ल्यूर, विपरीत लिंग को आकर्षण करने में भी सेरेटियास के अंदर ये जो कॉडल फिन जो होता है ये इसके ऊपर ल्यूमिनस जो ऑर्गन होता है वो ल्यूर यानी अपोजिट सेक्स को आकर्षित करने वाला वर्क करने वाली गंध उत्पन्न करती है।
इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स, जैसे कुछ कैट फिशेज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स नहीं पाया जाता, बट डेवलप इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाली मसल्स के द्वारा ये एक प्रकार का प्रकाश संवेदी अंगों के रूप में ये कार्य कर रही हैं। इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स आर, आपको पता है, लेटरल लाइन ऑर्गन सिस्टम में पाए जाते हैं एंड इन्वर्टेड फ्रॉम 8th नर्व, जो 8वीं क्रेनियल नर्व होती है उससे आच्छादित होते हैं। रिसेप्टर्स दो प्रकार के हैं, एम्पुलरी एंड ट्यूबेरस। एम्पुलरी जो होते हैं वो एक छिद्र के द्वारा शरीर खुलते हैं, और ट्यूबेरस जो होते हैं वो एक प्लग के द्वारा बंद होते हैं। ये हुआ 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में 5 छोटे पॉइंट आए हैं, आपने देख लिए होंगे। अब चलते हैं 6th, कलर ऑफ फिशेज। जैसा जैसा आवास है वैसा पहले तो कलर, और कलर डेवलप करने का मुख्य कारण क्या है? शत्रु से छुपाव हासिल करना, शत्रु से छुपाव हासिल करना। अगर कोई वनस्पति के अंदर है, जैसे वीड्स पाए जाते हैं, जैसी वनस्पति होगी जिस क्षेत्र में वैसा ये कलर डेवलप करने में सक्षम होती हैं, और ये क्रिप्टिक कलरेशन यानी छुपाव, शत्रु से छुपाव हासिल करने वाली कलर डेवलप कर लेती हैं। 7th पॉइंट, कलर चेंज इन टीलियोस्ट। कलर चेंज कैसे करती हैं? इन फ्लैट फिशेज लिविंग ऑन द डीप सी। फ्लैट फिशेज या चपटी मछलियां जो होती हैं वो डीप सी में पाई जाती हैं। प्रोटेक्शन इज एज्यूम्ड या एश्योर्ड बाय चेंजेज इन द स्किन कलर। अपना बचाव करने के लिए क्या करती हैं? ये स्किन का कलर बदल लेती हैं। दीज फिशेज एज्यूम ए पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ ग्राउंड ऑन विच दे लाइज। वैसा ही कलर डेवलप कर लेते हैं जिस प्रकार के, जिस जगह या आधार पे या तल पे या जिस क्षेत्र में रहते हैं उनके अनुरूप। लास्ट और बट नॉट लिस्ट, 8वां पॉइंट आ रहा है, एरियल रेस्पिरेशन। आपको पता है कि बोनी फिशेज जो होती हैं वो दोनों प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं। डिप्नोई पड़ा है, यानी कि फेफड़े भी श्वसन में मदद करते हैं, गिल्स भी श्वसन करने में मदद करते हैं। कुछ बोनी फिशेज जो होती हैं ये पानी से बाहर आकर के रहती हैं, और एक एरियल रेस्पिरेशन यानी एयर ब्लैडर विकसित कर लेती हैं। ईल कैन टेक ऑक्सीजन आउटसाइड द वाटर थ्रू द स्किन। ईल यानी सर्प मीन नाम की जो मछली है, ये पानी से बाहर आकर के अपनी त्वचा द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देती है। क्लिम्बिंग पार्च एनावास, चढ़ने वाली जो मछली है, प्रोवाइडेड विद स्पेशल एयर चैम्बर्स अबाउ द गिल्स। गिल्स के ऊपर एयर चैम्बर्स बन जाते हैं। सम फिशेज डेवलप एयर ब्लैडर। कुछ मछलियाँ वायु आशय एयर ब्लैडर रेस्पिरेशन, एरियल रेस्पिरेशन के लिए डेवलप कर लेती हैं, एज इन सेकोट्रेंकस एंड क्लेरियास एटसेट्रा। ये हुआ अडेप्टिव रेडिएशन इन बोनी फिशेज। बहुत लंबा टॉपिक है बट बहुत इजी है। अगर आपको, आपने इस वीडियो को ढंग से सुन लिया, इस मैटर को लेकर के आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या आती है, कोई समझने में असुविधा आती है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो
जान पहचान वाले हैं वो, और ये YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको भेजने का, प्रेषित करने का, प्रेषित कर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।